दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच मुकाबले में भी बारिश ने डाला अड़चन। जाने कितनी देर में खेला जाएगा ये मुकाबला, क्या ओवर में होने वाली है कटौती, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और नेपाल के बीच मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज शतकीय पारी खेलेगा? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एशिया कप में भारत और नेपाल का मुकाबला आज श्रीलंका में खेला जा रहा है, जहाँ पर एक बार फिर भारत के मैच में बारिश ने एक बार फिर मजा को किरकिरा कर दिया और इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, मगर ये फैसला भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान मैच की तरह असफल रहा। भारत ने शुरुआत के दो ओवर में तीन कैच ड्रॉप कर दिए, जिसके बाद नेपाल के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी भी कर ली, मगर कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद को शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमा दिए और शार्दुल ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपनी पांचवी ही गेंद पर कुशल भोरतेल को खतरनाक गेंद डालकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाने लगे और कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाकर स्पिनरों को लगाया और अपने तुरुप के गेंदबाज रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करने के लिए दे दिया और जडेजा ने एक के बाद एक तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर नेपाल के खिलाड़ियों की कमर तोड़ दी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम मैच में वापसी नहीं कर सकी और 37.5 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 178 रन बना पाई। इसके बाद बारिश ने मैच में आकर दखल दे दिया और मैच को बीच में ही रोकना पड़ गया। बारिश अभी भी मैदान पर हो रही है, अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि मैच शुरू होने में आधे से एक घंटा लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि ओवरों में कोई कटौती नहीं किया जाएगा, भारतीय गेंदबाजों को अभी 12 ओवर फेंकना है और देखना होगा कि नेपाल टीम उनके सामने कितने रनों का लक्ष्य दे पाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम मारेगी बाजी, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।